रायपुर में ट्रेनों के बंद होने का फायदा अब बस संचालक उठाने लगे हैं। बस यात्रियों की शिकायत है कि एक ही जगह से आने जाने का अलग अलग किराया लिया जा रहा है। यात्री एमडी खालिद ने बताया कि आते वक्त 950 किराया लगा और जाते वक्त 1200 रुपए किराया लगा। साथ ही बसों में यात्रियों की भारी भीड़ भी है। कृष्णा सिंह राजपूत का कहना है कि बस वालों की मनमानी से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं गुप्ता ट्रैवल के कर्मचारी देवेश शुक्ला ने बताया कि हम अपने हिसाब से किराया नहीं बढ़ाते, बस के मालिक मीटिंग करते हैं, डीजल टैक्स और स्टाफ का खर्च निकालकर किराया तय किया जाता है। और आते टाइम में 900 रुपये किराया लगा था स्लीपर का, 950 और रायपुर तक, और जाते टाइम में कितना 1200 रुपया लग रहा है। पता ना यहाँ का अलग रेट है क्या है, अब तो इन लोग जाने। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आप सही टिकट है वो दर लीजिए, लोगों को परेशान क्या कर रहे हैं। वो लड़के के पास घर जाने के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने उसको फिर अरेंज करके यहाँ से पैसा दिया, इंदौर से रायपुर का, उससे 2500 रुपये लिया गया। हाँ, तो आने का किराया जो बढ़ा है 50 रुपये, फिर जाने का भी 50 रुपये बढ़ा है, तो अब जो मतलब 160 में हो जाता था अब 460 रुपये पड़ रहा है, तो 80 रुपये ज़्यादा महंगा हो गया अब पहले के कंपेयर में। देखिए मैडम, जब उधर से भीड़ होती है तो उधर से किराया बढ़ता है, और जब इधर से भीड़ होती है तो इधर से किराया बढ़ता है। हम अपने हिसाब से किराया नहीं बढ़ाते हैं, वो सारे मोटर मालिक मिलकर किराया मोटर मालिक जब मीटिंग होती है तो वो बैठ के अपना डिसाइड करते हैं कि अभी गाड़ी उधर से खाली आ रही है तो डीजल उजल निकाल के टैक्स वगैरह पटा के जो खर्चा हमको बैठता है उस हिसाब से हम किराया डिसाइड करते हैं। और अब खबर